गुड आफ्टरनून एवरी वन, माई सेल्फ बीना पलासिया, नर्सिंग ट्यूटर ऑफ इंडेक्स मेडिकल कॉलेज. टुडे इज माई टॉपिक इज मेनिंजाइटिस. तो वॉट इज अ मेनिंजाइटिस? मेनिंगस मीन्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड आइटिस. आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन. तो द मीनिंग ऑफ मेनिंजाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. So that is a meningitis, inflammation, infection of brain and spinal cord. We starting with the introduction. So introduction, the serious disease. जो meningitis है वो serious disease है, which there is a inflammation of the meningus. ये क्या करता है? Spinal cord को और brain को inflame कर देता है. जिसके कारण ये किन किन कारणों से हो सकता है? तो वायरस के कारण होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है और इन्फेक्शन. द थ्री मेन कॉज दैट अफेक्ट इन मेनिंजाइटिस इज बैक्टीरिया, वायरस और इन्फेक्शन. और ये क्या करता है? तो ये इंटेंस हेडेक कराता है पर्सन में, फीवर कराता है, सेंसिटिविटी टू लाइट एंड मसल रिजिडिटी. द मेन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जिसके कारण इंटेंस हेडक वी कैन सी इन दिस कंडीशन एंड वी कैन सी इन द फीवर एंड सेंसिटिविटी टू लाइट. वो पर्सन वी आर सी इन द लाइट विथ सेंसिटिव टू लाइट एंड द मसल रिजिडिटी. वी कैन सी इन दिस कंडीशन द फोर मेन इंटेंस थिंग्स वी कैन सी इन मेनिंजाइटिस कंडीशन. ओके, और ये किन 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 कारण से होता है? तो वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण और इन्फेक्शन के कारण. थ्री मेन कॉज अफेक्ट इन दिस कंडीशन, और कंडीशन इज इट्स कॉल्ड मेनिंजाइटिस. वी कैन सी इन द डेफिनेशन. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि व्हाट इज मेनिंजाइटिस और विच टाइप ऑफ कॉज इन अफेक्ट इन दिस कंडीशन. Meningitis usually caused by the viral infection, I can already explain, but can also be bacteria or fungus. और ये bacterial भी है और fungal infection भी है. इस कारण से भी ये meningitis देखने को मिल सकता है patient में. और how can we prevent in this condition? तो we can prevent in this condition by the vaccination. Do vaccination and prevent this meningitis condition. Okay, we can see in the normal meningus and infected meningus. Normal meningus is no inflamed, no redness or none of type of any condition, है ना. और जो infected meningus है, we can see in this condition inflamed है plus redness भी है. और ये किस कारण हुआ है? वायरल इन्फेक्शन के थ्रू. वायरस ने अफेक्ट किया मेनिंगस को और मेनिंगस ने इसका रिस्पॉन्स दिया थ्रू द रेडनेस के थ्रू एंड थ्रू द क्या? थ्रू द इन्फ्लाम्ड. ओके, कॉज. तो मेन कॉज तो मैंने आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि मेन कॉज इज द बैक्टीरिया, इन्फेक्शन और रे फंगस. फंगस के थ्रू भी मेनिंगस मेनली देखने को मिल सकता है और पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है व्हेन सम इंसेक्ट बाइट एंड अदर टाइप ऑफ एनिमल्स. दिस टाइप ऑफ थिंग्स अफेक्ट इन दिस कंडीशन. और वायरल इन्फेक्शन आर द मोस्ट कॉमन कॉज है. मोस्ट कॉमन कॉज इज वायरस इन्फेक्शन. एनी टाइप ऑफ द बैक्टीरिया, वायरस, एजेंट मेनली अफेक्ट इन मेनिंजाइटिस कंडीशन. ओके, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है. क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस फोर टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जिसको अपन निमोकोकस भी कहते हैं. नेजेरिया मेनिंजाइटिस, जिसको अपन मेनिंगोकोकस कहते हैं. हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जिसको अपन हीमोफिलस कहते हैं. और लिस्थीरिया मेनिंगोसाइटोजेनस. फोर टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस वी कैन सी इन दिस कंडीशन इज स्ट्रेप्टोकोकस, नेजेरिया, हीमोफिलस और लिस्थेरिया, जिसको अपन निमोकोकस बोलते हैं, मेनिंगोकोकस कहते हैं और हीमोफिलस और लिस्थेरिया. मेन टाइप ऑफ द
बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज़ द निमोकोकस, क्योंकि जो नेजेरिया मेनिंजाइटिस है मेनली देखने को मिलता है अपन को, क्योंकि ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होते हैं जिसको अपन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। ओके, अब ये कितने कंटेन होते हैं। फर्स्ट तो वायरल मेनिंजाइटिस होता है, वायरल बोले तो बैक्टीरिया जिसमें ऐड होता है, वायरस जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइटिक, नहीं वायरस, फंगस और बैक्टीरियल, थ्री टाइप ऑफ द इन्फेक्शन इज अंडर अ वायरल मेनिंजाइटिस और क्रॉनिक मेनिंजाइटिस। व्हेन द पर्सन इज अफेक्ट 6 month ओल्डर, 1 year ओल्डर, तो ये किन कंडीशन में आएगा, क्रॉनिक मेनिंजाइटिस में, बिकॉज 6 month ओल्डर पेशेंट इज द क्रॉनिक, बिकॉज की वो ही सफरिंग फ्रॉम द हाउ मेनी मंथ, हाउ मेनी ईयर्स, इट्स अंडर द क्रॉनिक मेनिंजाइटिस। और जो पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस होता है, व्हेन द सम एजेंट, सम इंसेक्ट अफेक्ट इन दिस कंडीशन इज अंडर द पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस। ओके, सम एजेंट, सम इंसेक्ट आर अफेक्टेड। ओके, तो थ्री टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस, फर्स्ट इज वायरस मेनिंजाइटिस, थर्ड इज क्रॉनिक मेनिंजाइटिस, सेकेंड इज क्रॉनिक मेनिंजाइटिस एंड थर्ड इज पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस। थ्री टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस अफेक्ट इन दिस कंडीशन। ओके, रिस्क फैक्टर, तो किन किन रिस्क फैक्टर के थ्रू जो मेनिंजाइटिस है मेनली अपन को देखने को मिलता है, तो स्कीपिंग वैक्सीनेशन, वेन वी स्कीपिंग सम वैक्सीनेशन, तो ये मेनली अफेक्ट करता है। रिस्क फैक्टर में आएंगी राइज इन एनियन हु हैज कम्प्लीटेड द रिकमेंडेड चाइल्डहुड एंड अडल्ट वैक्सीनेशन शेड्यूल। जब बच्चा चाइल्डहुड में रहता है एंड ही इज बिकम अडल्ट, और चाइल्डहुड एज में वो सम वैक्सीनेशन जो शेड्यूल्स रहता है उसको स्किप कर देता है, हिज पेरेंट स्किप इन द वैक्सीनेशन शेड्यूल, तब ये रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। एज फैक्टर बहुत अफेक्ट करता है, बिकॉज जो चिल्ड्रंस रहते हैं अंडर बिलो द 5 year एज चिल्ड्रंस मेनली अफेक्टेड, बिकॉज इम्यून सिस्टम उन बच्चों का वीक होता है, और जो अंडर द एज ऑफ अडल्ट इज मोर स्ट्रॉन्ग, बिकॉज 20 year अडल्ट इज इम्यून सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग टू द मोर देन चिल्ड्रंस, दैट्स वाई जो एज फैक्टर रहता है मेनली अफेक्ट करता है इस कंडीशन में। लिविंग इन कम्युनिटी सेटिंग, क्यों लिविंग इन कम्युनिटी सेटिंग क्यों अफेक्ट करती है, क्योंकि जो लार्ज पॉपुलेशन ग्रुप में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो रहता है, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, ये अफेक्ट करता है, क्योंकि ये स्प्रेड होता है क्यों स्प्रेड होता है, थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ये अफेक्ट करता है, रिस्पिरेटरी रूट के थ्रू ये अफेक्ट करता है, क्विकली थ्रू द लार्ज ग्रुप में मेनली अफेक्ट करता है, जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट में लिविंग एंड डॉर्मेटोरोजिस पर्सन में, मिलिट्री बेस में, चिल्ड्रंस में, बोर्डिंग स्कूल में, चाइल्ड केयर फैसिलिटी में, आर द जनरेटेड रिस्क ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, क्योंकि जो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन रिस्पिरेटरी थ्रू और थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है 1 person टू अनदर पर्सन, और ये ट्रांसमिट होता है कब, ये लार्ज ग्रुप पॉपुलेशन में ट्रांसमिट होता है। ओके, अब प्रेगनेंसी में कैसे अफेक्ट करेगा, तो प्रेगनेंसी इज द इंक्रीज द रिस्क ऑफ लेथार्जी इन द इन्फेक्शन कोज बाय द लिस्टेरिया बैक्टीरिया विच में ऑल्सो कोज अ मेनिंजाइटिस। लिस्टेरिया इंक्रीज द रिस्क ऑफ द मिसकैरेज, जो लिस्टेरिया मेनिंजाइटिस जो रहता है वो मिसकैरेज भी कराता है, स्टिल बर्थ भी कराता है, और प्री मच्योर डिलीवरी भी कराता है लिस्टेरिया मेनिंजाइटिस। कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम, आई ऑलरेडी स्पेंग जो चिल्ड्रंस रहते हैं बिलो द 5 year एज उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, और सम पर्सन ऐसे भी रहते हैं जिनका इम्यून सिस्टम व्हेन ही अडल्ट तब भी उनका इम्यून सिस्टम वीक ही रहता है, तो जिनमें देखने को मिल सकता है जो एड्स के जो पेशेंट रहते हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक रहता है। एल्कोहलिज्म, जो अधिकतर ड्रिंक करते हैं, सम पर्सन जो हमेशा ड्रिंक करते हुए मिलते हैं,
कभी सभा जो ड्रिंक करते हैं उनका इम्यून सिस्टम भी वीक रहता है, डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट रहते हैं उनका इम्यून सिस्टम यूज़ होता है, और इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग जो यूज़ करते हैं, अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर इम्यून सिस्टम ऑल्सो मेक द मोर सस्पेक्टेड इन मेनिंजाइटिस। जिन पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक होता है उन पर्सन में मेनिंजाइटिस अफेक्ट करता है, क्योंकि ये वीक पर्सन में मेनली जो बैक्टीरिया रहता है वो स्प्रेड हो जाता है, दैट्स वाई द मेनिंजाइटिस अफेक्ट इन दिस कंडीशन। पैथोफिजियोलॉजी में अपन देखेंगे कि किन कारणों से बैक्टीरिया किन चीज़ों के कारण बैक्टीरिया इंटर हो जाता है। तो बैक्टीरिया इंटर होता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम में इंटर हुआ और उसने क्या फॉर्म किया, ट्रोमा फॉर्म किया, है ना, और इंटर द म्यूकोसा, और ये कहाँ इंटर हुआ, म्यूकोसा में आया और इसने सरफेस म्यूकोसा में और सरफेस कैविटी में ये स्प्रेड हो गया, है ना, और इसने क्या किया, बैकडाउन ऑफ नॉर्मल बेरियस, जो नॉर्मल बेरियस थे उसको उसने बैकडाउन किया, क्रॉस कर दिया, और क्रॉस किया किसको, ब्लड ब्रेन बेरियस को, जो ब्लड में जो ब्लड जो जा रहा था ब्रेन में उसको इसने क्रॉस किया, है ना, और ये इसने प्रोलीफ्रेट किया, प्रोलीफ्रेट मतलब किसको अफेक्ट किया, CSF को, सेंट्रल स्पाइनल फूड को इसने अफेक्ट किया, है ना, और इन्फ्लाम किया किसको, मेनिंगस को, मतलब ब्रेन को इसने इन्फ्लाम किया और स्पाइनल कॉर्ड को इसने इन्फ्लाम किया, ठीक है, इन्फ्लामेशन कहाँ पे गई है, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड को, जिसके कारण क्या इंक्रीज हुआ, इंट्राक्रेनियल प्रेशर ICP इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ इन्फ्लाम्ड हुआ क्या, मेनिंजाइटिस, दैट्स वाई इंक्रीज हुआ इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ओके, फर्स्ट क्या था, बैक्टीरिया इंटर हुआ काय में, ब्लड स्ट्रीम में, और इंटर कहाँ गया, म्यूकस में, म्यूकस सरफेस में और कैविटी में इसने क्या किया, इंटर किया और बैकडाउन किया नॉर्मल बेरियस को, जो भी नॉर्मल बेरियस थे जो प्रिवेंट कर रहे थे बैक्टीरिया को अंदर आने से, उसको इसने ब्रेकडाउन किया, क्रॉस किया ब्लड को और ब्रेन बेरियस को, और इसने पॉलीफ्रेट किया किसको, CSF, सेंट्रल स्पाइनल फ्लूइड को इसने क्रॉस किया, इन्फ्लाम किया मेनिंगस को, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, और इंक्रीज किया इंट्राक्रेनियल प्रेशर को। सिम्टम्स, तो क्या क्या सिम्टम्स अपन को देखने के लिए मिल सकते हैं इन मेनिंजाइटिस कंडीशन में, तो फर्स्ट इज सडन हाई फीवर, द पर्सन इज अफेक्टेड विद द मेनिंजाइटिस, ही अफेक्टेड विद द सडन हाई फीवर, उसको फीवर आएगा 104 degrees, 103 degrees, हाई फीवर मेनली अपन को देखने को मिल जाएगा मेनिंजाइटिस कंडीशन में, और स्टिफ नेक होना, नेक में स्टिफनेस होना, ये कंडीशन अपन को देखने को मिलेगी, स्ट्रेचिंग कंडीशन, दर्द होना, पेन होना, सीवियर हेडेक, मेनली सीवियर हेडेक इज सीन, जिसको अपन माइग्रेन भी बोलते हैं, ये देखने के लिए मिल सकता है मेनिंजाइटिस कंडीशन में, दैट सेम डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल हेडेक, जो नॉर्मल हेडेक रहता है ना कि थोड़ी देर में बंद हो जाता है, उससे अपन को कहीं ज़्यादा सीवियर हेडेक देखने के लिए मिलेगा, नोशिया एंड वोमिटिंग भी देखने को मिलेगी अपन को, कन्फ्यूजन एंड डिफिकल्टी टू कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन करने की जो पावर रहती है एक पर्सन की वो उसमें नहीं रहेगी, वो कंफ्यूज होगा, बोलने वो हकलाएगा, प्लस उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, इवन वो उसकी कॉन्शियसनेस को भी वो खो देगा, सीजर, उसको झटके आने लगेंगे, स्लीपिंग डिफ़िकल्टी होगी, चलने में दिक्कत आएगी उसको, सेंसिटिविटी टू लाइट, उसको लाइट से उसको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, और उसको नो एपेटाइट टू थर्स्ट, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी उसको, स्किन रैशेस हो जाएगी उसकी, समटाइम्स सच एज मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस स्किन रैशेस, रेड टाइप तो स्पॉट्स सीन करने को मिलेंगे इन थर्स्ट एरिया पे, देखो दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स वी कैन सी इन सेंट्रल पार्ट में, मैंने अभी ऑलरेडी शो यू सीवियर हेडेक, अल्टरनेट मेंटल स्टेट कन्फ्यूज़न होगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ईयर्स में उसको फिनोफोबिया, मतलब उसकी जो सुनने की जो ताकत रहेगी वो कम से कम हो जाएगी,
आइस में उसको फोटोफोबिया होगा, दिखने मतलब कि उसको लाइट सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होगी, नेक स्टिफनेस होने लग जाएगी उसकी, स्टक सिस्टमिक में हाई फीवर देखने को मिलेगा, और उसको ट्रंक में रेड स्पॉट्स अपन को दिखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि इन्फेक्शन कंडीशन के कारण होता है, और ये सब मेनिंजाइटिस में अपन को देखने के लिए मिलेगा वन द पर्सन इज इन्फेक्टेड विद द मेनिंजाइटिस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अपन करेंगे तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में अपन देखेंगे पर्सन का हाई ग्रेड फीवर, स्किन इशू में वही रेड स्पॉट्स वी कैन सी इन दिस कंडीशन इन ट्रंक एरिया, इन इंक्रीज हार्ट रेट, ऑल्सो इंक्रीज द हार्ट रेट और नेक स्टिफनेस एंड रिड्यूस कॉन्शियसनेस, कन्फ्यूजन कंडीशन होना, कुछ समझ में नहीं आना, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे कुछ भी। और अपन हाउ कैन वी फाउंड आउट इन दिस कंडीशन, तो वी कैन टेस्टेड सम कंटेंट्स इन ब्लड कल्चर। फर्स्टली वी स्टार्टिंग विद द ब्लड कल्चर, आइडेंटिफाई बैक्टीरिया इन द ब्लड। बैक्टीरिया कैन बी ट्रैवल फ्रॉम द ब्लड टू द ब्रेन। जो बैक्टीरिया है वो ट्रैवल करता है ब्लड टू ब्रेन में और फॉर्म करता है किसको, नेजेरिया मेनिंजाइटिस को, निमोनिया को, अमंग अदर कैन बी कॉज बोथ सेप्सिस इन मेनिंजाइटिस। सेप्सिस पस फॉर्मेशन भी हो जाएगा इस कंडीशन में मेनिंजाइटिस में, और ये नेजेरिया मेनिंजाइटिस और स्टेप्टो निमोनिया है ना। और कंप्लीट ब्लड काउंट भी अपन कर सकते हैं रेड ब्लड सेल वाइल ब्लड सेल का, विद द डिफरेंस इज द जर्नल इंडेक्स ऑफ द हेल्थ, इट चेक द नंबर्स ऑफ द रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स, कितनी मात्रा में रेड ब्लड सेल्स है और वाइट ब्लड सेल्स है इन अवर ब्लड, विद द ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन एंड कंटेन यूजली इवॉल्व द मेनिंजाइटिस। WBC और RBC वी कैन चेक इन दिस कंडीशन, फाइंड आउट द दिस टाइप ऑफ द बैक्टीरिया अफेक्ट इन दिस कंडीशन। चेक्स एक्सरे द रिवील द प्रेजेंस ऑफ द निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस और फंगस। थ्रू द चेक्स एक्सरे वी कैन फाइंड इन द निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड फंगल इन्फेक्शन। मेनिंजाइटिस कैन ओकर आफ्टर निमोनिया, निमोनिया के बाद ही अपन को मेनिंजाइटिस की जो कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। अ सिटी स्कैन भी करेंगे ऑफ द हेड में भी शो प्रॉब्लम लाइक ब्रेन एप्सिस, कि उसको पस फॉर्मेशन तो नहीं है ब्रेन में, इन्फ्लामेशन है साथ में पस फॉर्मेशन तो नहीं है, इसके लिए अपन उसका सिटी स्कैन करेंगे और इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी चेक करेंगे अपन उसका। और बैक्टीरिया कैन बी स्प्रेड फ्रॉम द साइनस टू द मेनिंगस, और अपन ये भी चेक करेंगे कि जो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड तो नहीं हुआ साइनिक टू द मेनिंगस। मेनिंगस मतलब ब्रेन में, स्पाइनल क्रोड में, इनमें जो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड तो नहीं हुआ। थ्रू द सिटी स्कैन वी कैन फाइंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रेन एप्सिस एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड विच टाइप ऑफ द इन्फेक्शन एंड विच कैन स्प्रेड थ्रू द ब्रेन एंड स्पाइनल क्रोड। अपन मैनेजमेंट, देन मैनेजमेंट हाउ कैन वी मैनेज इन दिस कंडीशन, तो वी कैन मैनेज अकॉर्डिंग टू द मेनिंजाइटिस, कि बैक्टीरियल है कि फंगल है, पैरासाइटिक है या वायरल है या क्रोनिक है लंबे समय से है। तो अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा तो वी कैन रिक्वायर द इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन। अगर पर्सन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, वायरल है या फिर कोई भी एजेंट के थ्रू उसको मेनिंजाइटिस हुआ है तो उसको अपन तुरंत हॉस्पिटलाइज कर लेंगे, अर्ली डायग्नोसिस करेंगे कि विच टाइप ऑफ द मेनिंजाइटिस अफेक्टेड, और ट्रीटमेंट विल बी प्रिवेंट ब्रेन डैमेज, कि अपन को डायग्नोसिस पता चल जाएगी, देन वी कैन ट्रीट एंड प्रिवेंट द ब्रेन डैमेज। एंड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ट्रीट विद द इंट्रावीनस, कुछ भी IV इंट्रावीनस फ्लूड देंगे उसको, स्टार्ट कर देंगे एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देंगे, स्टेरॉइड भी उसको स्टार्ट करेंगे। देयर इज़ द स्पेसिफिक एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में अपन यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द बैक्टीरियल इन्वॉल्व, कि विच टाइप ऑफ द बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस है, स्टेप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है, निमोनिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया अफेक्टेड अकॉर्डिंग टू द बैक्टीरिया। वी कैन स्टार्टिंग द एंटीबायोटिक टू द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस।
फंगल मेनिंजाइटिस है तो वी कैन ट्रीट विद द एंटीफंगल एजेंट, जो भी एंटीफंगल एजेंट रहेगा उसके थ्रू अपन फंगल मेनिंजाइटिस को ट्रीट करेंगे। अगर पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस है, किसी इंसेक्ट के थ्रू है या किसी भी चीज़ के थ्रू है, तो मे देयर इन्वॉल्व इट ट्रीटिंग जस्ट द सिम्टम्स ऑफ अटेम्प्टिंग एंड ट्रीट द इन्फेक्शन, कि विच टाइप ऑफ द बैक्टीरिया विच टाइप ऑफ पैरासाइटिक इज अफेक्टेड इन दिस कंडीशन एंड वी कैन ट्रीट दिस कंडीशन अकॉर्डिंग टू द एजेंट। ओके, डिपेंडिंग ऑन द कोज, जो भी कोज रहेगा टाइप रहेगा, मे बी गे बेटर विद द एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देंगे इफ़ इट विशन हाउ वे डॉक्टर मे बी ट्रीट द इन्फेक्शन इट्सेल्फ, और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि हाउ कैन वी ट्रीट दिस कंडीशन। ओके, एंड द वायरल मेनिंजाइटिस अगर रहेगा, मे रिजॉल्व ऑन द बट सम कोज ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस विल बी ट्रीट विद द इंट्रावेनस एंटीवायरल मेडिकेशन। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अपन एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे थे, उसी तरह बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में अपन एंटीवायरल ड्रग का यूज़ करेंगे और ट्रीट करेंगे इंट्रावेनस फ्लूड के थ्रू। ओके, क्रोनिक मेनिंजाइटिस है, जिसे मैन आई ऑलरेडी टोल यू कि द ट्रीट विद द अंडरलाइनिंग कोज फर्स्ट, कि किस कारण से ये जो क्रोनिक मेनिंजाइटिस है ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, सच एज द फंगल है, फंगल इन्फेक्शन है, ऑटो इम्यून इश्यू के कारण है या रिमेटोइड अर्थराइटिस के कारण है, ये किस कारण है जो क्रोनिक मेनिंजाइटिस ख़त्म होने का नाम ही ले रहा है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी कैन ट्रीट दिस क्रोनिक मेनिंजाइटिस। ओके, कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो ये when this starting the this meningitis condition, तो hearing loss, okay, hearing loss अपन को देखने को मिलेगी, memory difficulty अपन को देखने मिलेगी, learning disability मिलेगी, brain damage हो जाएगा उसमें, guilt problem, seizure, kidney failure, stroke and death. हेलिंग और हेयरिंग लॉस कॉम्प्लिकेशन ये होगा कि वेन पर्सन विद द अफेक्टेड विद द मेनिंजाइटिस उसको सुनाई देना कम से कम हो जाएगा। मेमोरी डिफिकल्टी ऑफकोर्स, बिकॉज की जो मेनिंजाइटिस है वो ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है तो मेमोरी अफेक्ट होगी। लर्निंग डिसेबिलिटी, उसको पढ़ने में भी दिक्कत होगी, ब्रेन डैमेज हो जाएगा ऑफकोर्स, क्योंकि ब्रेन एप्सिस हो रहा है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रेन में इंफ्लामेशन हो रही है, तो ब्रेन डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। गिल्ट प्रॉब्लम्स होगी, झटके आने लगेंगे उसको, उसका किडनी फेलियर हो जाएगा, उसको स्ट्रोक आने लग जाएंगे, इवन डेथ भी हो सकती है। अगर ब्रेन डेथ हुआ तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। प्रिवेंशन, हाउ कैन वी प्रिवेंट इन दिस कंडीशन, क्योंकि जो मेनिंजाइटिस है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है, तो वी कैन प्रिवेंट द सेप्टिक टेक्निक्स, वॉश करके अपने हैंड को, केयरफुल हैंड वॉशिंग करेंगे, हेल्प टू प्रिवेंट द स्प्रेड द जर्म्स को स्प्रेड करने से अपन बचाएंगे, और अपने चिल्ड्रंस को अपन बोलेंगे या फिर चिल्ड्रन को टीच करेंगे कि हैंड स्पेशली वी कैन गो इन अ बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर ईटिंग वी कैन वॉश अवर हैंड बिफोर गोइंग टॉयलेट बिफोर गोइंग इन लार्ज पॉपुलेशन वी कैन टॉकिंग विद अनदर पर्सन वी कैन वेयरिंग अ मास्क एंड ऑल्सो वी वॉश अवर हैंड्स प्रैक्टिस गुड हाइजीन की अपन बच्चों को सिखाएंगे बड़ों को बोलेंगे कि डोंट शेयर ड्रिंक अपना ड्रिंक शेयर नहीं करे फूड को नहीं करे स्ट्रो ईटिंग्स अनस्टाइल लिप बॉम नहीं यूज़ करे टूथब्रश एक दूसरे का नहीं यूज़ करे एंड टीच करेंगे चिल्ड्रन को टीन अवॉइड शेयरिंग दिस आइटम्स टू जो भी माउथ से रिलेटेड चीज़ें है जो भी पीने की है खाने की है उन चीज़ों को शेयर करने से बचे बिकॉज ये क्या है कि आपकी जो बैक्टीरिया जो रहता है वो स्प्रेड हो जाता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन दैट्स व्हाई स्टे हेल्थी मेंटेन अवर इम्यून सिस्टम बाय द गेटिंग नॉट रेस्ट एक्सरसाइज करें रेगुलरली एंड ईटिंग हेल्थी डाइट प्रॉपर मात्रा में अच्छा खाना खाए फ्रूट्स एक फ्रूट तो डेली ईट करना ही है विद अ प्लेंटी फिश फ्रूट वेजिटेबल्स एंड व्होल ग्रेन्स वी कैन यूज मल्टी टाइप ऑफ द वेजिटेबल्स फ्रूट्स टू इम्प्रूव अवर इम्यून सिस्टम कवर अवर माउथ
ऑल्सो वी कवर अवर माउथ वेन वी टॉक समवन वेन वी नीड टू कफ स्नीश और कवर योर माउथ. जब भी आप स्नीज करें या फिर कफिंग करें तब अपने माउथ को अपन कवर करें बिकॉज इन्फेक्शन को अपन को प्रिवेंट होने से बचाना है. दैट्स वाई वैक्सीनेशन. हाउ कैन वी प्रिवेंट इन दिस कंडीशन? तो वी कैन प्रिवेंट इन दिस कंडीशन फॉर सम फॉर्म ऑफ द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एंड प्रिवेंट विद द फॉलोइंग वैक्सीनेशन. अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो उसको अपन प्रिवेंट करेंगे इन वैक्सीनेशन के थ्रू. तो हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जिसको अपन HIV भी बोलते हैं वैक्सीन, इसको अपन यूज़ करेंगे किसके लिए? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन यूज़ करेंगे, न्यूमोकोकल प्रोलीसेकेराइड वैक्सीन यूज़ करेंगे और न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन. फोर टाइप ऑफ द वैक्सीन वी कैन यूज इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन, न्यूमोकोकल पेरासिकेराइड वैक्सीन और मेनिंगोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन. फोर टाइप ऑफ वैक्सीन वी कैन यूज इन दिस कंडीशन. थैंक यू. माई टॉपिक इज़